अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद उमर फारूक, अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ लेटेस्ट उमरा अपडेट से रिलेटेड, के जो आजकल इस वक्त जो रेट्स निकाले हैं सऊदी एयरलाइन ने और एक्सपेक्टेड प्राइस है PIA की और एयर ब्लू की, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और कुछ ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनसे मैंने पूछा है कि एक्सपेक्टेड जो उमरा पैकेज होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा और किस रेंज तक जाएगा, उसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में जरूर वैल्यू ऐड करेगा। जी दोस्तों, आज जल्दी जल्दी मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैंने आपको उसमें यह बताना है कि उमरा पैकेजेस में किस किस तरह के लोग फ्रॉड करते हैं। तो अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो सऊदी एयरलाइन है उसकी जो प्राइस है, जो उन्होंने चार्जेस निकाले हैं कि रिटर्न टिकट के, वो 1,05,000 हैं जनाब, तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, पिशावर से और मुल्तान से। और अगर आप कराची से जाते हैं तो वो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, तकरीबन 98,000 से 99,000 है। तो ये 6 से 7,000 रुपये का डिफरेंस है कराची से, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस शायद कम पड़ता है। बट जो PIA का और जो एयर ब्लू का है अभी तक, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो कुछ लोग मुझसे बार बार पूछे थे कि कब स्टार्ट होगा ऑपरेशन PIA का और एयर ब्लू का, तो उनके अभी तक भी डिस्कशन चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा फिलहाल तो नखरे दिखा रहा है। तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है जो एयर ब्लू की होगी वो शायद 97,000 से 98,000, 97,000 से 98,000 के करीब होगी पाकिस्तान से, और ये डिफरेंट शहरों से डिफरेंट हो सकती है। जब PIA भी मैदान में उतरेगी तो इसकी प्राइस मजीद कुछ ना कुछ एडजस्ट होगी, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि ये चार्जेस कुछ ना कुछ ज़रूर कम होंगे। अब बात कर लेते हैं कि उमरा पैकेजेस कहाँ से कहाँ तक हैं। तो ये एयरलाइन के टिकट को निकाल के, तो जो एक नॉर्मल वीज़ा होगा, जो नॉर्मल पैकेज होगा, ठीक है, जो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग पैकेज नहीं होगा, जो एक ग्रुप की सूरत में शायद लोग आपको लोगों को लेके जाएं, तो जिसमें 4 बेड वाला शायद आपको रूम मिलेगा, उसके जो चार्जेस हैं वो 75,000 रुपये से लेकर तकरीबन 90,000 रुपये के तक होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 1,05,000 के टिकट और 75,000 रुपये से 90,000 रुपये तक अगर आप लगाएं, तो ये तकरीबन 1,80,000 85,000 रुपये से लेकर 2,00,000 के करीब करीब जाके पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ अपेरेंट चार्जेस होते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे खर्चे निकल आते हैं। तो आपने माइंड में रखिएगा कि आपको वैक्सीन का भी खर्चा करना पड़ेगा। वैक्सीन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने मॉडर्ना लगवाई हुई है, साइनोफॉर्म की अगर दो डोजेज और आपने अगर बूस्टर शॉट लगवाया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, एस्ट्राजेनेका लगवाई हुई है तो एलिजिबल हैं, फाइजर लगवाई हुई है तो एलिजिबल हैं, जॉनसन एंड जॉनसन लगवाई हुई है तो एलिजिबल हैं। बट अगर चाइनीज वैक्सीन है तो उसके साथ बूस्टर शॉट लगवाना पड़ेगी। अब क्योंकि बूस्टर शॉट पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी लगाने जा रही है, तो आप लोग जो उमरे के लिए जाना चाहते हैं तो वो बूस्टर शॉट की तरफ ज़रूर जाएं, और उसका सर्टिफिकेट आपके पास नादरा से जो होता है वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप तभी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये एक जल्दी से एक छोटी सी अपडेट थी। और इसके अलावा अगर देखें तो अगर आप ये 14 दिन की पैकेज की मैंने आपको प्राइस बताई थी, अगर 21 डेज पर जाएंगे तो प्राइस इससे ज़्यादा होगी, 90,000 से 1,00,000 तक होगी। और इसमें आपको बस में ट्रैवल करवाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम सेपरेट रूम करवाएं, यानी कि सिर्फ 2 बेड वाला रूम हो, तो उसकी प्राइस और ज़्यादा होगी। अगर कुछ लोग चाहते हैं हम बस में ट्रैवल ना करें, हम लोग कार में ट्रैवल करें, तो उसका तकरीबन 1400 रियाल एक्स्ट्रा होगा। और अगर कुछ लोग चाहते हैं कि मक्का से मदीना जब वो जाना चाहते हैं, तो वो जो उनकी ट्रेन है जो बहुत जल्दी से पहुंचाती है, तेज़ स्पीड के साथ जाती है, 1.5-2 घंटे में आप शायद मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे, तो उसके चार्जेस और ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये तमाम इस तरह की कुछ छोटी मोटी सी अपडेट्स थी जो मैं ज़रूरी समझता था कि मैं आपको बताऊं। और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैंने आपको उसमें ये बताना है कि फ्रॉड किस किस तरह के होते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्र पर जाएँ तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।